Hello everyone, welcome to the session today. So today we are going to start an important practice questions on the topic of teaching aptitude for paper 1 UGC NET exam. Before starting with the topic, I hope that you must have subscribed to our channel Anuj Jindal. Aapne hamare channel ko subscribe kar diya hoga by clicking on the subscribe button. And you must have also seen our previous video, jo ki humne research aptitude, paper 1, commerce, management as well as HRM topics ki bhi video humne upload kar diya. So before starting with teaching aptitude, let us have a brief idea that what are the type of questions that come under teaching aptitude topic. So teaching aptitude topic ke andar aapko kuch basic questions milte hain jo aap common sense se solve kar sakte hain, logical thinking se solve kar sakte hain. Agar aap logically soche ki as a teacher how should you behave, how should you react to the situations, to aap bahut easily in questions ko solve kar payenge. Inhi se related kuch 5 important questions main aaj aapke liye leke aaya hu. So let us move ahead and have a look at the first question. A teacher can make her class more democratic by which of the following methods? बहुत ही सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन है. एक टीचर अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक कैसे बना सकता है? सो कुछ ऑप्शन दिए हैं एंड हमें आइडेंटिफाई करना है कि सही आंसर क्या है. लेट अस हैव अ लुक एट द ऑप्शंस नाउ. स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज़. डेफिनेटली जितना ज़्यादा क्लासरूम में आपके स्टूडेंट्स आप पार्टिसिपेट करेंगे डिस्कशंस में और कंसेप्ट्स में, उतना ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगा बिकॉज उतना ही ज़्यादा हम इन्वॉल्वमेंट कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स का. तो ये बेसिकली आंसर हो सकता है हमारा. बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं. स्टूडेंट्स डिसीजंस ऑन व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी. ये एक अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि अगर हम स्टूडेंट्स को एक फ्रीडम दे देंगे, फ्रीडम ऑफ चॉइस दे देंगे कि वो डिसाइड कर सकें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मेजरली क्लास का जो डिसिप्लिन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा एंड मेजरली वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे. तो ये एक सही मेथड नहीं है. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन. स्टूडेंट्स कलेक्टिव डिसीजन रिगार्डिंग द टाइमिंग्स ऑफ द क्लास. अगेन ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये डेमोक्रेटिक नहीं है क्योंकि ये क्लास की टाइमिंग्स डिटरमाइन करने का जो अथॉरिटी है वो एडमिनिस्ट्रेशन को होती है, स्कूल अथॉरिटीज़ को होती है. तो ये क्लासरूम को डेमोक्रेटिक करने का एक तरीका नहीं है. लास्ट ऑप्शन देखते हैं, स्टूडेंट्स डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द होमवर्क दे विश टू डू. अगेन ये एक डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है बिकॉज अगर हम उन्हें फ्रीडम दे देंगे ये डिसाइड करने की कि क्या होमवर्क वो करना चाहते हैं और क्या नहीं, तो वो कुछ होमवर्क करेंगे ही नहीं. सो इस केस में जो सबसे बेस्ट, मोस्ट प्रिफर्ड एंड सूटेबल आंसर है वो है ए, दैट इज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज़. इसी तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन मिलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, वेदर दे आर फ्रॉम रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ एनी अदर टॉपिक, सबसे पहले आप उन ऑप्शन को ठीक तरीके से इवेल्युएट करिए. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सोक्रेटिव डायलॉग इन टीचिंग रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. अब इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोक्रेटिक क्या है या सोक्रेटिक मेथड क्या है. सो एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे सोक्रेट्स, उन्होंने एक मेथड डिवाइस किया था कन्विंसिंग स्किल्स का. वो ये कहते थे कि आपका जो कॉन्वर्सेशन होता है लोगों से वो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनसे कन्वर्सेशन करते हैं और क्या आप कितनी आपकी कन्विंसिंग स्किल्स है. तो आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कन्विंसिंग स्किल्स बहुत पावरफुल होती है. तो यहाँ पे सोक्रेट्स ने एक मेथड दिया था कि जब आपका डायलॉग और कन्वर्सेशन ऐसा होता है कि जो सामने वाला रिप्लाई कर रहा है आपके क्वेश्चंस का या आपके कन्वर्सेशंस का या आपकी दी हुई चीज़ों का, वो अगर पॉजिटिव एफर्मेशन है, मतलब अगर वो पॉजिटिवली रिप्लाई कर रहा है या वो पॉजिटिवली कन्विंस हो रहा है, तो आपका डायलॉग बहुत अच्छा रहेगा और आप उसे किसी भी चीज़ को लेकर कन्विंस कर पाएंगे. सो ये था सोक्रेट्स मेथड. अब ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं. इज इट ए आंसर एक्सप्लेनिंग, मतलब एक्सप्लेनिंग में तो सिर्फ आप ही बोल रहे होंगे, आप उसे किसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो ये अच्छा मेथड तो नहीं है. बी क्वेश्चन एंड आंसर, ये एक अच्छा मेथड हो सकता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड वो उन क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है, वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, आप भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तरीके से एक डायलॉग स्टैब्लिश हो रहा है जहाँ पे एक कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन होगी. तो ये हमारा आंसर हो सकता है. और आंसर्स भी देख सकते हैं और ऑप्शंस भी. ऑप्शन सी टीम टीचिंग, जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ टीचर्स आपको किसी टॉपिक के बारे में पढ़ाते हैं तो उसे टीम टीचिंग कहते हैं. अगेन ये सोक्रेटिक के मेथड के प्रिंसिपल्स से रिलेटेड नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. डी डिमॉन्स्ट्रेशन, जब हम किसी एक्ट को या किसी कंसेप्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं स्टूडेंट्स के सामने तो उसे डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम उन्हें लॉ ऑफ ग्रेविटी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं बाई फॉलिंग ऑफ एन एप्पल के एग्जाम्पल से, तो ये भी डिमॉन्स्ट्रेशन का मेथड है. बट ये सोक्रेट्स मेथड नहीं है इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता. तो द बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पे हमें क्लियरली आंसर लग रहा है वो है बी, दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर, बिकॉज यहाँ पे कॉन्टिन्यूस इन्वॉल्वमेंट होगा बोथ स्टूडेंट एज वेल एज टीचर के बीच में. चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. टू इंश्योर डिसिप्लिन इन क्लास,
अ टीचर शुड डू विच ऑफ द बिलो मेंशन एक्शंस. आप कई बार सुनते होंगे कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बट वो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं. जब तक आपकी क्लास में डिसिप्लिन नहीं होगा आप एक अच्छे टीचर नहीं माने जाते. बिकॉज हमारा काम एज अ टीचर सिर्फ बच्चों को कंसेप्ट क्लैरिटी या बुकिश नॉलेज नहीं देना है बल्कि उन्हें बेसिक मैनर्स, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें भी सिखाना होता है. सो देखते हैं कि एज अ टीचर आपको क्या एक्शन लेना चाहिए आउट ऑफ द गिविंग स्टेटमेंट से. फर्स्ट, थ्रेटन द स्टूडेंट्स, उन्हें डराए धमकाएं, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. सेकेंड, पनिश देम रेगुलरली. अब कई टीचर्स को ऐसा लगता है कि रेगुलरली स्टूडेंट्स को पनिश करने से, डराने से वो शैतानी करना कम कर देंगे और उनका इनडिसिप्लिन सुधर जाएगा, बट ऐसा नहीं होता. कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम रेगुलर पनिश करते रहते हैं तो वो और शैतानी करने लगते हैं, वो और इनडिसिप्लिन हो जाते हैं. सो ये भी एक करेक्ट मेथड नहीं माना जाता. थर्ड, नॉट अलाउ द स्टूडेंट्स टू स्पीक इन क्लास. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा है कि अगर अपने अपनी क्लास को ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाना है, अगर उसमें हमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करना है स्टूडेंट का ताकि उनकी बहुत अच्छे से लर्निंग हो सके, तो बहुत ज़रूरी है कि हम पार्टिसिपेशन अलाउ करें स्टूडेंट का, तो ये भी क्लियर मेथड नहीं है. फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, डील विद स्टूडेंट्स फर्मली बट पोलाइटली. ये हमारा करेक्ट आंसर है. हमें स्टूडेंट से पोलाइटली भी बोलना चाहिए बट एट द सेम टाइम हमें उसे फर्मली बोलना चाहिए सो दैट वो हमारी बातें सुने. सो डी इज द करेक्ट आंसर इन ऑर्डर टू मेंटेन डिसिप्लिन. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. इन ऑर्डर टू डिस्कवर समथिंग न्यू द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग इज. अब आपने कई बार सुना होगा कि इट्स ऑलवेज नेसेसरी कि हम अपनी स्टूडेंट्स और क्लासरूम के हिसाब से नई नई चीज़ों को डिवाइस करते जाएं. हमें हमेशा अपने टीचिंग मेथड में नोवाइज और नॉवेल्टी का एलिमेंट लाना पड़ता है ताकि हम कुछ ना कुछ इनोवेटिव मेथड्स डिवाइस कर सकें और स्टूडेंट्स उसे पसंद करें और ठीक से कंसेप्ट को ग्रैप करें. सो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन ऑर्डर टू डिस्कवर समथिंग न्यू कौन सा बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग यूज किया जा सकता है आउट ऑफ द गिविंग ऑप्शंस. तो एक बार ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट, कोऑपरेटिव टीचिंग, जहाँ पे हम कोऑपरेट करके स्टूडेंट्स के साथ उन्हें पढ़ाने की कोशिश करते हैं. क्या ये एक नया मेथड है? ये बिल्कुल एक नया मेथड नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना है. आगे चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, कोलैबोरेटिंग. दिस इज़ वेरी सिमिलर टू आर टीम टीचिंग, जहाँ पे दो तीन टीचर्स मिल के कोलैबोरेट करके किसी एक सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं या कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं तो उसे टीम टीचिंग करते हैं या टीम टीचर्स कहते हैं. तो अगेन ये भी एक नए मेथड को जन्म नहीं देगा. सी, एक्सपेरिमेंटिंग. अब अगर हम अपनी टीचिंग में एक्सपेरिमेंटिंग करते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कई टीचर्स को या अगर आपने कभी बचपन में देखा हो तो कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जो हमें अलग अलग तरीके से न्यू चीज़ें सिखाते थे. कुछ टीचर्स हमें ग्राफ्स बना के चीज़ें सिखाते थे, कुछ टीचर्स हमें डायग्राम्स बना के चीज़ें सिखाते थे और कुछ ऐसे भी टीचर्स होते थे जो हमें एक्सपेरिमेंट्स को डिमॉन्स्ट्रेट करते थे यूजिंग सम ऑफ द अदर इक्विपमेंट्स. जैसे हमने लेबॉरेटरी वगैरह में देखा होगा कि हमने बहुत सारे लैब्स इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया होगा या टूल्स का इस्तेमाल किया होगा. तो इसी तरीके से जो टीचर एक्सपेरिमेंट करता रहता है कोई ना कोई न्यू मेथड की तरफ, वही एक इनोवेटिव टीचर कहलाता है. सो सी हमारा आंसर हो सकता है. फिर भी एक बार डी देख लेते हैं ऑप्शन, ग्रुप डिस्कशन टीचिंग. डेफिनेटली ग्रुप डिस्कशन टीचिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत सारे ओपिनियंस को जन्म देता है, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ निकल के आते हैं. बट जब तक एक टीचर एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा, जब तक एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेगा, तब तक वो कोई भी नया तरीका पढ़ाने का नहीं खोज सकता. तो यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल और द करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज एक्सपेरिमेंटिंग. लेट इज मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. व्हेन अ टीचर स्टार्ट्स अ न्यू टॉपिक इन द क्लास, ही शी शुड फर्स्ट बिगिन विद विच ऑफ द फॉलोइंग. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी टीचर का कि जब भी आप कोई भी नया टॉपिक क्लास में शुरू करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें स्टूडेंट्स को बहुत ही डायरेक्ट करना पड़ता है कि नए टॉपिक की तरफ, ताकि उनका इंटरेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक ही बहुत अच्छे से बन जाए. क्योंकि अगर उनका इंटरेस्ट नहीं बना टॉपिक में या उन्हें क्लैरिटी नहीं हुई तो फिर वो पूरी क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक में हम उन्हें कुछ स्टांस दें ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे. तो देखते हैं क्या इसमें से हमें फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक. अब ये कई टीचर्स को ये एक अच्छा मेथड लगता है बट अगर हम पुराना ही टॉपिक रिवाइज करते रहेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो दो टॉपिक्स के बीच में मिक्सअप कर देते हैं चीज़ों को या फिर इंटरेस्ट लूज कर देते हैं. तो किसी नए टॉपिक को पढ़ाने से पहले प्रीवियस टॉपिक तो बिल्कुल भी अच्छा मेथड नहीं है पढ़ाने के लिए. सेकेंड ऑप्शन देते हैं, आस्क द स्टूडेंट हाउ मच दे नो. अब इस चीज़ में काफ़ी एम्बिग्यूटी हो सकती है क्योंकि आपकी क्लास में हमेशा डाइवर्सिटी मिलेगी, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें पता होंगी और कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होंगी. सो अगेन ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है एक नए टॉपिक को शुरू करने में.
थर्ड देखते हैं, गिव अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द टॉपिक। ये एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है किसी नए टॉपिक को शुरू करने में, कि आपने ब्रॉडली बता दिया किसी भी टॉपिक के बारे में कि क्या क्या एलिमेंट्स उसमें हम कवर करने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट असेंशियल चीज़ें उसमें हैं। सो अगर हम ब्रॉड आइडिया दे देते हैं तो स्टूडेंट्स को एक आइडिया लग जाता है कि वो क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं फिर भी, आस्क द स्टूडेंट्स टू डिस्कस इट अमंग देमसेल्फ। हम उन्हें कह दें कि वो आपस में ही डिस्कस कर लें, ये तो डेफिनेटली एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि अगर हम उन्हें आपस में डिस्कस करने का मौका देंगे एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द टॉपिक, तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाएं या फिर वो इंटरेस्ट ही ना लें। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सूटेबल आंसर जो इस क्वेश्चन का लग रहा है वो है सी, दैट इज गिव अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द टॉपिक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं उससे आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज़ अनुज जिंदल। ऑल्सो हमने एक टेलीग्राम ग्रुप शुरू कर रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। उसमें हम रेगुलर क्विजेस फॉर पेपर वन, पेपर टू कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड एचआरएम के करवाते रहते हैं। साथ ही उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के स्टडी मटेरियल एंड वीडियोज़ भी अपलोड होते रहते हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज को खरीदना चाहते हैं फॉर पेपर वन, पेपर टू, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड एचआरएम, तो आप हमारी वेबसाइट anujjindal.in पे जाके सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं और बहुत ही इजी और डिस्काउंटेड रेट्स में हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।